मैं डॉक्टर भावेश ठक्कर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ। मैं सिम्स हॉस्पिटल में लास्ट 3 साल से हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है पेट और आंतों के रोगों और लिवर के रोगों का विशेषज्ञ। मैं आपको एंडोस्कोपी के बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा। एंडोस्कोपी करते क्यों है, उसके करने के कारण क्या होते हैं, एंडोस्कोपी से फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। एंडोस्कोपी जो होती है वो 3-4 तरह से होती है। एक अपर जी आई एंडोस्कोपी, जिसमें मुंह से लेके भोजन की नली, आमाशय और छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा देखा जाता है। और कॉलोनोस्कोपी जो बोलते हैं, कॉलोनोस्कोपी में गुदा मार्ग से एंडोस्कोपी किया जाता है, जिसमें पूरी बड़ी आंत और छोटी आंत का लास्ट हिस्सा देखा जाता है। तीसरा जो टाइप होता है वो एक है साइड व्यूइंग एंडोस्कोपी, जिसमें पित्त की नली में जो स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, वो निकाले जाते हैं, या पित्त की नली में ब्लॉकेज हुआ है कैंसर की वजह से, या तो कोई बिनाइन लीजन नॉन कैंसरस कंडीशन की वजह से, तो उसका ब्लॉकेज दूर किया जा सकता है। और अग्नाशय जो पेनक्रियास बोलते हैं, उसमें जो अगर कोई स्टोन है या उसमें ब्लॉकेज हुआ है उसकी नली में, तो उसका सॉल्यूशन साइड व्यूइंग एंडोस्कोपी से किया जा सकता है। चौथा टाइप जो होता है कैप्सूल एंडोस्कोपी। कैप्सूल एंडोस्कोपी करने के लिए करने का जो होता है वो 2 कंडीशन में किया जाता है। जब पेशेंट को अनेमिया, खून की कमी होती है जो बहुत लंबे टाइम से चलती रहती है, और अपर जी आई एंडोस्कोपी एंड कॉलोनोस्कोपी नॉर्मल होता है, तब कैप्सूल एंडोस्कोपी से हमको पता चल सकता है आंतों में से कोई जगह से ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दूसरी उसकी ज़रूरियात, कोई बीमारी जिसका पता हमको नहीं चल रहा है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज होता है, उसके लिए कैप्सूल एंडोस्कोपी इवेल्यूएशन के लिए ज़रूरी होती है। एंडोस्कोपी जो होती है वो कोई नुकसानकारक प्रोसीजर नहीं है, उससे पेशेंट की बीमारियों का डायग्नोसिस होता है, जैसे कि खाना रुक जाता है, डिस्पेजिया, खाना निगलने में तकलीफ़ होती है, खून की उल्टी होती है, या तो अल्सर हुए हैं, या लेटरिन के साथ या स्टूल्स के साथ ब्लड आता है, तो उसका कारण जान के उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एंडोस्कोपी पहले के ज़माने में रिजिड होते थे, अभी फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी एंड बहुत हाई डेफिनेशन हाई टेक्निक अवेलेबल है यहाँ पे सिम्स हॉस्पिटल में, जिससे पेशेंट को पेन के बगैर, कोई तकलीफ के बगैर एंडोस्कोपी की जा सकती है और पेशेंट का डायग्नोसिस हो सकता है।